फर्जी वीडियो मामले में करीब 9 महीने तक जेल में रहने के बाद आखिरकार यूट्यूबर मनीष कश्यप जेल से रिहा हो गए हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं। रिहा होने के बाद से ही वो बिहार सरकार पर लगातार हमलावर हैं। एक वीडियो उनका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। कहते ना कि सरकार गिरा देंगे, अभी तो निकले हैं तो हिला दिए हैं, हिल रहा है ना। वो अपने वीडियो में बोल रहे हैं कि अभी तो वो बस जेल से बाहर आए हैं तब सरकार हिलने लगी है, अगर यही हाल रहा तो वो सरकार जल्द गिरा देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने वीडियो में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी लिया है। कश्यप ने कहा कि वाजपेयी ने न सिर्फ सरकार गिराई बल्कि सरकार बना ली, जिससे ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मनीष कश्यप कहीं बिहार की नीतीश तेजस्वी वाली सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ने की रणनीति तो नहीं बना रहे। कहते ना कि सरकार गिरा देंगे, अभी तो निकले हैं तो हिला दिए हैं, हिल रहा है ना सरकार, गिराइयो देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुने थे, वो भी पत्रकार थे, वो सरकार खाली गिराए नहीं सरकार बना भी लिए थे, जाके पता कीजिएगा लोग। उन्हीं का कहानी पढ़ पढ़ के, उन्हीं का कविता पढ़ पढ़ के जेल में हम अपना टाइम काटे हैं। आपको बता दें कि मनीष कश्यप को पिछले महीने तमिलनाडु में मदुरई कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। कोर्ट ने मनीष को जमानत देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA की धारा भी हटा दी थी। मनीष पर तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों को कथित तौर पर पीटने के फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने का आरोप था। मनीष को NSA हटाए जाने के पहले ही बिहार लाया जा चुका था।